एक गांव में चुरकी मुरकी, अरे एक गांव में चुरकी मुरकी रहती थी दो बहना। दोनों नींबू बेच बेच के घर को चलाती थी ना, बोलो है ना। आपने वो गाना जरूर सुना होगा। कौन सा गाना? अरे एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। तो आज मैं आपको तोता मैना की नहीं, चुरकी और मुर्की की कहानी सुनाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में चुरकी मुर्की की कहानी जरूर सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको चुरकी और मुर्की की कहानी नहीं सुनाऊंगा, एक बहुत ही शानदार गणित बताऊंगा। और इसमें आपसे मैं एक अनुरोध करता हूं, इसमें आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज का जो प्रश्न है न्याय वाला है, मतलब आप अपने दिमाग से न्याय करिएगा। जी हाँ, आज मैं कुछ ऐसे कंडीशन अप्लाई करूंगा, मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन पैदा करूंगा जिसको आपको देखना है और आपको बताना है कि किसके साथ न्याय होना चाहिए, मतलब कौन क्या करे, मतलब आपको न्याय करना है। और कैसे न्याय होगा उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के सिचुएशन बड़े मजेदार होते हैं, क्योंकि ये गणित है और गणित तो बड़ा मजेदार होता ही है, इसलिए बोला जाता है कि गणित को समझो। ये दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप गणित के जादुई वीडियो सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे गणित के जादुई वीडियो मिलेंगे। और हाँ, शुरू में ही आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ को आप क्लिक करोगे ना तो उसमें बहुत सारे वीडियो के लिंक दिखाई देंगे एक फोटो के रूप में। उसको किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और उस वीडियो का आनंद लीजिए। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो बहन है। कौन कौन सी बहन है बता देता हूं। पहला, एक बहन है चुरकी, ठीक है। हमने बचपन में कहानी पढ़ा था चुरकी मुर्की की कहानी, तो मैंने नाम बस लिया है वहां से और बाकी मैं गणित पढ़ाऊंगा। एक थी चुरकी और एक थी मुर्की, ठीक है। तो ये चुरकी और मुर्की क्या करती थी, दो बहन है समझो, या बहन है या पड़ोसी है, जो भी है, इन दोनों क्या करती थी, नींबू बेचती थी। नींबू बेच बेच के अपना गुजारा करती थी। तो इन दोनों का सिस्टम क्या था, मतलब इन नींबू कैसे बेचती थी, ध्यान देना है। चुरकी जो है ना, एक रुपए में, मतलब ये कहा जाए कि एक रुपए में दो नींबू बेचती थी, दो नींबू, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक रुपए में दो नींबू बेचती थी और कुल ये 30 नींबू बेचती थी। तो कुल इसको कितने रुपए का फायदा होता था, इनको 15 रुपए का फायदा होता था, ठीक है। ये तो याद रहेगा कि 15 रुपए का इनको फायदा होता था नींबू बेचने पर, ठीक है। वैसे मुर्गी का काम था, मुर्गी क्या करती थी, एक रुपए में ये भी बेचती थी, ये भी एक रुपए में ही बेचती थी, लेकिन ये क्या करती थी, ये जो है एक रुपए में 3 नींबू बेचती थी, ठीक है, एक रुपए में 3 नींबू, हालांकि ये भी 30 नींबू ही बेचती थी। तो ये भी 30 नींबू जब बेच लेती थी, और ये कितना बेच रही है, देखो 3 नींबू, एक रुपए में 3 नींबू, तो ये टोटल 30 नींबू जब बेच लेगी तो ये कितने रुपए कमा लेगी, 10 रुपए कमा लेगी, ठीक है। ये 10 रुपए कमाती है 30 नींबू बेचकर। और ये जो है, अब ध्यान देना है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको लास्ट में कमेंट करना है भाई। ये देखो, चुरकी एक रुपए में दो नींबू बेचती है और टोटल 30 नींबू बेचती है और 15 रुपए कमाती है। वही मुर्गी क्या करती है कि एक रुपए में 3 नींबू बेचती है, ये भी टोटल 30 नींबू ही बेचती है। ये संख्या है, नींबू की संख्या है ना कुल, तो ये भी 30 नींबू ही बेचती है और ये 10 रुपए कमाती है ना। तो ये तो हो गया सिस्टम। एक दिन क्या हुआ कि इनका जो तबियत है ना, खराब हो गया। किसका? चुरकी का तबियत खराब हो गया। अब जैसी चुरकी का तबियत खराब हुआ, तो इसने अपने पड़ोसी या ये उनकी बहन है जो भी है, उनको बोली कि बहन आज मेरा तबियत खराब है, तो आप आज मेरा नींबू भी ले जाओ और नींबू को बेच देना, ठीक है। तो उसने कहा कोई बात नहीं बहन, मैं तो आपका नींबू बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा ठीक है, आप अपना नींबू मुझे दे दो, मैं नींबू को बेच दूंगी। लेकिन जाते समय चुरकी ने कहा, देखिए बहन, मैं जो है एक रुपए में दो नींबू बेचती हूं, तो आप जो है एक रुपए में दो नींबू ही बेचना, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो मुर्की ने कहा कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, आपका नींबू एक रुपए में दो देना है तो मैं दे दूंगी, और मैं तो अपना तीन ही बेचती हूं। तो वो नींबू लेके चली गई, नींबू लेके चली गई। तो इसने रास्ते में सोचा कि अगर मैं अलग अलग बेचूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसने क्या किया कि इनका जो एक रुपए है, इनका एक रुपए, इनका एक रुपए, तो एक रुपए और एक रुपए कितना, देखो एक रुपए में दो नींबू, इसका एक रुपए में 3 नींबू, तो इसने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। ये देखिए, तो 2 रुपए हो गया और नींबू को भी जोड़ दिया, 2 और 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5 नींबू। तो उसने क्या किया, समय बचाने के लिए, ध्यान दीजिएगा यहां गणित में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, उसे आपको ध्यान देना है।
तो इसने क्या किया, 2 रुपए में 5 नींबू बेचने का निर्णय लिया। तो 5 नींबू जब बेचेगी तब ये टोटल 7 नींबू तो हो ही जाएगा, है ना। बाकी उसने नहीं सोचा, बस उसने केवल ये सोचा कि मुझे 2 रुपए में 5 नींबू बेचना है और टोटल 7 नींबू इस प्रकार बिक जाएगा। उसने किया भी ऐसे, मतलब 2 रुपए में 5 नींबू बेचा भी और पूरा उनका नींबू बिक भी गया, मतलब टोटल 60 नींबू को उसने बेच दिया। कैसे बेचा, 2 रुपए में 5 नींबू के हिसाब से बेचा। हालांकि उसने कैलकुलेशन यहां पर किया हुआ है, 2 नींबू 1 रुपए में और 1 रुपए में 3 नींबू, फिर दोनों को जोड़ा तो इतना हुआ, ठीक है, बेच दिया। अंत में जब उसने पैसा का कैलकुलेशन किया ना, पैसा गिना, तो पैसा जो है देखो पहले कितना रुपया होता था, यहां पर देखिए मैं इसको जोड़ के बता देता हूं। यहां पर 15 और 10 ये कितना हो रहा है, 25 रुपया हो रहा था, कब, जब वो अलग अलग बेचती थी तो। लेकिन यहां पर जब उसने बेचा ना, तो आश्चर्यजनक ढंग से उसने देखा कि अरे ये कैसा हो गया, यहां तो 24 रुपए ही हो रहा है, मतलब यहां पर 24 रुपए में बेचा। तो उसने देखा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने कैलकुलेशन किया तो लगा कि अरे ये तो गड़बड़ है। तो उसने क्या किया, 24 रुपए में अपना 10 रुपए क्या करा, उसने माइनस करा, अपना 10 रुपए निकाल लिया और बाकी के जो कितने रुपए बचे, 14 रुपए वापस आए। तो 14 रुपए उसने किसको दिया, इसको दिया, चुरकी को 14 रुपए वापस किया। तो 14 रुपए जैसे वापस किया ना, तो दोनों में विवाद हो गया, तकरार हो गया कि आपने, मैंने तो बोला था कि मेरे 1 रुपए में 2 नींबू बेचना है, तो उसके हिसाब से 15 रुपए होता है, तो आप मुझे 15 रुपए दो। तो इसने कहा मैंने तो नींबू बिल्कुल सही बेचा है, मैं अपना 10 रुपए रखूं और आपको मैं 14 रुपए दे रहा हूं, वही होगा। तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो अब आपको बताना है कि दोनों में कौन जो है कम पैसे रखे, या फिर ये कहा जाए कि ज्यादा पैसे कौन रखे। देखो यहां पर ये देखो 10 रुपये रख रही है, तो 14 रुपए इनको दे रही है। तो आपको बताओ, आपको ये बताना है कि कम रुपए कौन रखे, चुरकी या मुर्की। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर चुरकी को कितने रुपए दिया जा रहा है, 14 रुपए दिया जा रहा है, और मुर्की जो है 10 रुपए रख रही है। आपको न्याय करना है और निश्चित रूप से आप अपने अनुसार से न्याय कीजिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा, और मैं अपने अनुसार से इसका एक सॉल्यूशन बता रहा हूं। हो सकता है कि आपका तर्क कुछ अलग हो और मेरा तर्क कुछ अलग हो, है ना, अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें न्याय करना है। तो चलो न्याय करने का प्रयास करते हैं, आप भी मेरे साथ न्याय कीजिएगा। निश्चित रूप से आप इसमें कमेंट जरूर करेंगे, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपने वीडियो को देखा और समझा। तो दोस्तों एक बात और बोल दूं, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं जो बहुत ही शानदार होते हैं। तो आइए इसका हम तर्क भी देते हैं। अब ये तो हम सब चीज समझ आ गया है कि 14 रुपए इनको दे रहा था, ये समझ भी आएगा कि 14 रुपए क्यों हो रहा है, ठीक है, ये कैसा होता। पहले तो आपको मैं एक बेसिक चीज समझा देता हूं कि 2 रुपए के हिसाब से 5 नींबू बेचेगी ना और 60 नींबू को बेचेगी, तो कितने बार बेचेगी, देखो 5 नींबू, तो मैं एक करता हूं 60 नींबू को बेच रही है, है ना, तो समूह कितने का बना रही है, 5, तो कितने बार बेचेगी, देखो 5 नींबू का समूह बनाया ना, तो 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब 12 बार नींबू बेच रही है, 12 बार में उसका नींबू खत्म हो गया, ठीक है। जबकि ये अकेले बेचती थी तो ये देखो आपको समझ आएगा कि 2 नींबू बेचेगी तो 15 बार में बेचेगी, इसलिए 15 रुपए होता था, और ये 3 नींबू बेचती थी तो ये कितने बार, 10 बार में ही बेच दिया। लेकिन दोनों का मिक्सअप किया ना, दोनों को जोड़ा ना, तो कितने बार में नींबू को बेच पा रही है, क्योंकि समूह कितने का बनाया उसने, 5 का, तो कितने बार, 12, और दोनों मिला के रुपए कितना हो रहा था, 2, तो 12 × 2 कराना तब ये 24 रुपए हुआ। तो यहां तो समझ आ गया कि 24 रुपए हो रहा है। तो कम रुपए कौन रखे और क्यों रखे, हमें इस बात पर चर्चा करना है। तो आइए मैं आपको यहां से समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है, कि कम रुपए किसको रखना चाहिए। मेरे हिसाब से भाई कम रुपए ना मुर्गी को रखना चाहिए, मुर्गी को, क्यों मुर्गी को रखना चाहिए, है ना। तो देखते हैं भाई, क्योंकि इसने तो एक शर्त लगा रखी थी, पहले से बोल रखी थी कि मेरे नींबू को कितना बेचना है, 1 रुपए में 2 ही बेचना है, ठीक है। चलो हम एक छोटा सा स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि देखिए ये जो है 1 रुपए में, ध्यान दीजिएगा 1 रुपए में ये चुरकी का नाम लिख देते हैं, यहां पर चुरकी द्वारा और यहां पर मुर्गी, ठीक है। 1 रुपए में यहां पर मैं लिख देता हूं, ये रुपए है, ठीक है, 1 रुपए में चुरकी द्वारा कितना नींबू दिया जाता है, 2, और मुर्गी द्वारा 3। तो ये देखो पहले 1 रुपए में, अब देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 रुपए प्लस 1 रुपए, ये हो गया 2 रुपए। उदाहरण के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं, तो 2 रुपए में 2 नींबू इनका गया और 3 नींबू इनका गया, तो टोटल कितना नींबू हो गया, 5 नींबू।
फिर अगले बार में फिर अगले 2 रुपए में, तो यहां पर फिर 2 नींबू, फिर 3 नींबू, फिर 5 नींबू, ऐसे करते करते मैं कहां तक जाऊंगा, चलो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ऐसा करके, ये मेरा थोड़ा समझाने का तरीका ऐसा ही है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर अगर मैं कितने बार करूं, n बार मतलब 10 बार कर देता हूं मैं, चलो 10 बार करूं, यहां पर 10 बार बेचूंगा, तो 10 बार में देखिए यहां पर 10 बार में देखो 10 बार में कितना नींबू बिक जाएगा इसका, 10 बार में इसका 20 नींबू बिक जाएगा, लेकिन 10 बार में मुर्गी का कितना नींबू, 10 बार में 30 नींबू बिक जाएगा। ये तो समझ आ गया, 10 बार में इसका 20 नींबू बिक रहा है किसका, चुरकी का, और 10 बार में ही इनका कितना नींबू बिक गया, 30, इनका पूरा नींबू खत्म हो गया, ठीक है। अब 10 बार में बेचेंगे तो यहां पर रुपए कितना हो जा रहा है, 20 रुपए, यहां पर 2-2 रुपए करके, क्योंकि कितने बार करा है, 2-2 बार 2 रुपए कर रहे हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा 10, तो टोटल कितने रुपए हो जा रहा है, 10 × 20 रुपए, तो यहां तक हो गया। तो इस 20 रुपए में से मुर्गी सोच रही है कि 10 रुपए मेरा है और 10 रुपए इनका है, लेकिन आगे जब उसने किया ना, तो आगे उसने क्या किया, आगे भी इसने 2 रुपए और 3 रुपए के हिसाब से बेचा, मतलब सॉरी 2 नींबू और 3 नींबू के हिसाब से ही बेचा, तो यहां पर कितना रुपए लिया, उसने लिया कितना, 2 रुपए, उसको 2 रुपए नहीं लेना चाहिए था, क्यों मैं बताऊंगा। तो यहां पर 5 नींबू फिर हुआ, देखो ध्यान दीजिएगा, 30 और 20 टोटल कितने नींबू हो गए, यहां पर मैं लिख देता हूं, अभी तक कितने नींबू बिक गए हैं, 20 नींबू इनके और 30 नींबू इनके, तो इनके नींबू तो पूरा खत्म हो गया है। अब जो 50 के बाद जो 10 नींबू और बच रहा है, टोटल 60 नींबू है ना, तो बाकी के जो 10 नींबू है वो किसके हैं, वो केवल किसके हैं, चुरकी के हैं, और चुरकी ने क्या कहा था, उसने कहा था कि मेरे नींबू को 1 रुपए में 2 बेचना। तो यहां पर उसने क्या किया, ये जो नींबू बच रहा है, देखो ये जो नींबू है, 3 नींबू जो बिक रहा है, ये 3 नींबू इनका नहीं है, क्योंकि इनका नींबू पूरा खत्म हो चुका है, बिक चुका है। तो इस नींबू को जब वो बेच रही है, तो इसका रेट कितना लगा रही है, देखो 2 रुपए में 5 नींबू दे रही है, जबकि वो ऐसा नहीं देती थी, है ना। तो देखो इसने 5 दिया, फिर अगले बार में 2 रुपए में फिर कितना दिया, 2 रुपए में 2 नींबू और 3, फिर 5 नींबू दिया। तो ये जो 10 नींबू उसने बेचा, 10 नींबू जो बेचा, उसको उसने कितने रुपए में बेचा, 4 रुपए में, जबकि ये जो ये पूरा नींबू जो है, ये लास्ट का जो 10 नींबू है, वो किसके नींबू है, मेरे ख्याल से चुरकी के है, और चुरकी ने कहा था कि मेरे नींबू को आपको 1 रुपए में 2 नींबू बेचना है। तो यहां पर उसने गड़बड़ी किया, उसने इतने नींबू को, मतलब 6 नींबू को अपना नींबू समझ के बेच दिया, यही बात हो रहा है ना, इन 6 नींबू को उसने अपना नींबू समझ के बेच दिया, तभी तो इनके नींबू का रेट क्या हुआ, इनके नींबू 2 और 2, फिर बाकी के जो और नींबू है उसको अपने नींबू समझ के बेच दिया, तभी वो 4 रुपए पड़ रहा है। अन्यथा इन्हीं का नींबू होता तो हर 2 नींबू का कितना रुपए, 1 रुपए, तो 10 नींबू को 2 रुपए के हिसाब से, मतलब 2 का जोड़ा बनाएंगे तो कितना होगा, 5, तो 5 रुपए होना चाहिए था। निश्चित रूप से ये जो लास्ट के जो 10 नींबू है, उसको मैं क्या करता, 1 रुपए में 2 देता, तो निश्चित रूप से मुझे 5 रुपए मिलता, और वो 5 रुपए किसका होता, किसका होता, ये चुरकी का होता। निश्चित रूप से यहां पर जो उसने गड़बड़ी किया है, उसी का खामियाजा किसी को भुगतना है। तो गलती किसने किया है, मुर्गी ने किया है। तो कम रुपए किसको रखना चाहिए, मेरे हिसाब से बोल रहा हूं भाई, आप अपना अलग तर्क जरूर दीजिएगा, ये मेरे तर्क के हिसाब से मुर्गी को 1 रुपए कम रखना चाहिए। मतलब मैंने क्या बताया था कि 10 रुपए मुर्गी रख रही थी और 14 रुपए इनको दे रही थी, तो मेरे ख्याल से भैया 15 रुपए देना चाहिए चुरकी को और इनको रखना चाहिए 9, फिर 9 और 15 कितना होता, 24 रुपए हो जाता। तो ये मेरा तर्क है, जरूरी नहीं है कि मैंने जो तर्क दिया है वो सही हो, लेकिन आप भी अपना तर्क दीजिए, इसके लिए आवश्यक है भाई कि आपको कमेंट तो करना पड़ेगा, कम से कम इस वीडियो में कमेंट कीजिए। और हाँ, यदि ये वीडियो पसंद आया ना, तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि वो भी अपना न्याय कर सके। तो दोस्तों, यदि आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो बगल में 2 जबरदस्त वीडियो के लिंक दिखाई दे रहे हैं, उनको भी आप क्या करिए, क्लिक कीजिए और देखिए, बहुत मजा आएगा। और नीचे में मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।